हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक मिरर क्राफ्ट लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही इजी है बनाने में, और इसमें जितना भी सामान लगा है सब आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगा, और नहीं मिलेगा तो आपको क्राफ्ट की शॉप पर ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शोपीस बनाएंगे जिसके लिए हमें सामान की ज़रूरत है। ये फ्लावर पॉट की जो पॉट आते हैं उनकी प्लेट है, ये प्लास्टिक की है, और एक मिरर है, उसी के हिसाब से मैंने छोटा मिरर दिया है। ये सब आपको क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगा, ये आपको जहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा हमने लिया है फैब्रिक ग्लू, शिल्पकार क्ले, और एक इस तरह का हुक आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा, टांगने के काम में आता है ये, थोड़ी सी पम-पम, जूट, मोती, और थोड़े से मिक्स मोती जो हम इकट्ठा करते जाते हैं लेकिन कहीं यूज़ नहीं होते, तो आज हम इन सब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पम-पम और मोती का काम करेंगे। ये कुछ इस तरह से बनाने हैं, इसको बनाना मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है। ये मैंने बड़ी सुई में डबल थ्रेड मोटा वाला डाल रखा है। इसमें ये लटकने वाला मोती है, इसको हम बीच में से पास करेंगे और इस तरह से नॉट दे देंगे, और इसमें तीन मोती और डाल देंगे। अब इसके बाद ये कुछ मोती हैं हमारे पास, तीन तीन मोती ये वाले डालेंगे सुई में पिरो के। एक पॉम-पॉम डालेंगे, फिर तीन मोती डालेंगे। ये अपनी इमेजिनेशन पे है कि आपको कितने मोती डालने हैं, कितने पॉम-पॉम डालने हैं, कितना बड़ा बनाना है। और ये हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया, ये सेम साइज में सब तैयार हो गया, कट कर दिया। अब शिल्पकार क्ले हम खोलेंगे, दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक ग्लू डालेंगे, आप चाहें तो फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से इसको बड़ा करते हुए इस पर फैला देंगे। फिर इस पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको इस पर सेंटर में रखते हुए दबा देंगे। अच्छे से दबाना है जिससे कि शिल्पकार इसको पकड़ ले। इसको करने के बाद लंबा सा रोल बनाएंगे, इसको अच्छे से शीशे के ऊपर हल्का सा दबाते हुए चढ़ा देंगे। बचे हुए पीस को आधा करेंगे, इसको एक साइड में यहाँ रखेंगे, ग्लू लगा देंगे पहले, और ग्लू लगाएंगे थोड़ा लंबा रोल बनाते हुए यहाँ पर इसको दबा देंगे। इसमें चारों तरफ ग्लू डालेंगे,
पूरा उंगली से अच्छे से फैला देंगे। और ये जो मोती हमने बताए थे बचे हुए, इसके किनारे किनारे भर देंगे। प्रेस कर देंगे अच्छे से। और इसको इसमें वापस पलट देंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। जो थोड़े बहुत बाहर निकले हैं उनको अंदर फिट कर दीजिए और इसको सूखने दीजिए। अब इसके बाद कोई भी हम डोरी लेंगे। ये जूट की डोरी है, ये क्राफ्ट की शॉप पर मिल जाती है। आजकल स्कूल में भी बच्चों से मंगाई जाती है, क्राफ्ट का बड़ा जोर है। तो इस तरह से क्राफ्ट, इस तरह से जूट की डोरी ले लेंगे और इसको यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। और अभी ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, ये देखिए। अब हमारे पास जो शिल्पकार के लिए बचा था ये, इसको हम बैक साइड में लगाएंगे और इसकी सीध में इधर पीछे आते हुए लगाना है। इसको सिंपल यहाँ रखना है और इसको यहाँ पर दबा देंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से दबा देंगे। और इसको अब हम सूखने के लिए रख देंगे। ये हमारा शीशा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। नीचे से उठा देंगे, नीचे के लिए सूखेगा, ऊपर फैब्रिक ग्लू जो लगाया था उसके साथ ये जूट हमारा सूख जाएगा। और ये इस तरह से हमारा शो पीस वाला मिरर तैयार हो गया। इसको हम कहीं भी टांग सकते हैं, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।